गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। 10 बड़ी खबरों के साथ लेकर आई हूं मैं शुभांगनी आज का काउंटडाउन। तो चलिए सुपर स्पीड से शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। नंबर 1, शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज से 2 महीने से भी कम समय दूर है और इस मास्टरपीस राइट्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे कई ओटीटी जायंट्स के साथ फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए बातचीत पूरी पावर से चल रही है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में नेटफ्लिक्स जवान को खरीदने के लिए सबसे आगे खड़ी है। नंबर 2, ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर के दूसरे पार्ट को लेकर एक धांसू अपडेट सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर को आदित्य चोपड़ा ने फाइनल कर लिया है। जी हां, अयान मुखर्जी वॉर 2 को डायरेक्ट करेंगे और इस बात का खुलासा खुद अयान मुखर्जी ने भी कर दिया है। बता दें कि इसके पहले पार्ट को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। नंबर 3, टाइगर श्रॉफ ने बड़े मियां छोटे मियां के सेट से यानी कि लंदन के सड़कों से एक तस्वीर शेयर की है जो अब खूब वायरल हो रही है। दरअसल इन दिनों अक्षय कुमार के साथ मिलकर टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में ऑन लोकेशन टाइगर ने अपने सोशल मीडिया पर करीब 6 स्लीवलेस शर्ट और डेनिम जीन्स पहने हुए अपने ब्राउन सनग्लासेस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके हॉट लुक को और हाई लेवल पर पहुंचा रहा है। नंबर 4, रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र के दूसरे तीसरे पार्ट पर अब एक और अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इसकी राइटिंग पर काम शुरू कर दिया है और उनके हिसाब से ब्रह्मास्त्र के दूसरे तीसरे पार्ट को साथ में शूट किया जाएगा और दिसंबर साल 2026 और दिसंबर साल 2027 में इन्हें रिलीज किया जाएगा। नंबर 5, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का अगला गाना यंतमा आज यानी 4 अप्रैल को रिलीज हो गई है और रिलीज के साथ ही ये सॉन्ग जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है। गाने में सलमान खान, रामचरण और वेंकटेश लुंगी डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान इस गाने में रामचरण और वेंकटेश के साथ जबरदस्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस गाने को अब लोग खूब पसंद कर रहे हैं। नंबर 6, आमिर खान एक एक्शन फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हैं और आमिर अपनी अगली फिल्म की तलाश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आमिर हमेशा एक्शन के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बीच में एक ब्रेक लिया क्योंकि वो एक जैसी कहानी के साथ खुद को रिपीट नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आमिर एक ऐसी स्क्रिप्ट पर नजर रख रहे हैं जो उन्हें थ्रिलिंग एक्शन करने का मौका दे। नंबर 7, अजय देवगन की फिल्म भोला वीकेंड पर रफ्तार पकड़ने के बाद वीकडे पर बिल्कुल धीमी हो गई है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक अजय देवगन की ये फिल्म अपनी कॉस्ट तक नहीं निकाल पाई है। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म ने सोमवार को कुल लगभग 4.50 करोड़ रुपए की कमाई की है और अब इंडिया बॉक्स ऑफिस पर भोला की टोटल कमाई 48 करोड़ के करीब है। नंबर 8, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की अफेयर की खबरों के बीच अब अपडेट आ रही है कि दोनों जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि ये कपल अब सगाई करने की तैयारी कर रहा है। कपल इंटीमेट एंगेजमेंट कर सकता है और तो और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों के स्पेशल डे पर फैमिली मेंबर्स और उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल होंगे। नंबर 9, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर हो रही हियरिंग खत्म हो गई है। कोर्ट ने अगले 45 दिन तक बच्चों की कस्टडी आलिया को दे दी है। इस दौरान बच्चों को दुबई भेजा जाएगा जहां वे पढ़ाई कर पाएंगे। 45 दिन बाद कोर्ट फिर इस मामले की हियरिंग करेगी। नंबर 10, शिल्पा शेट्टी को उन पर 16 साल से चल रहे केस में रिलीफ मिल गई है। इस मामले में शिल्पा को बरी करने के आदेश के खिलाफ दर्ज केस को कोर्ट ने मंडे को रफा दफा कर दिया है। आपको बता दें कि शिल्पा को साल 2007 में एक पब्लिक इवेंट के दौरान हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे ने किस किया था, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पब्लिक प्लेस पर सैनिटी फैलाने का आरोप लगा था। अब सालों बाद इस मामले में कोर्ट ने शिल्पा को इस पर फ्री कर दिया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।